हर हर महादेव दोस्तों। तो आप सब लोग कैसे, मैं दमड़िया हूँ। तो मेरा नाम है सरिता चौधरी और मैं रहती हूँ उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में और मेरा गांव का नाम है माठा। तो आज की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह के 7:30 बजे से और अभी जा रहे हैं हम गेहूँ काटने के लिए। मैं ही नहीं, मेरा हाथ कटा हुआ है तो मैं उतना जल्दी नहीं काट पाऊँगी, थोड़ा थोड़ा करके देखते हैं कट पाएगा कि नहीं कट पाएगा गेहूँ। तो मेरे साथ एक दो भाभी आ रही है तो उनके साथ वो मेरी हेल्प करने आ रही हैं क्योंकि इस हालत में मैं काट नहीं पाऊँगी अच्छे से। तो अभी चलते हैं खेत में क्योंकि मैं हमारा पूरा खेत रह रखा काटने के लिए गेहूँ। तो अभी आ रहे हैं वो भी, तो चलते हैं हम। और धूप भी निकल गई है, अभी अभी आ रही है धूप भी, तो चलते हैं। तो गाइज़ हम आ चुके हैं यहाँ खेत में और यहाँ पे 3 भाभी है मेरे साथ काटने पे। उनको पता है कि आगे हाथ कटाए तो मेरी हेल्प कर रहे हैं और देख सकते हो सबके सब हल्ला करने पर लगे हैं। मैं नहीं करी गो पहले बहुत हूँ, मैं और करी मत जे ही नहीं जे मैं कब नहीं हुआ हवाल हुई हूँ। हाँ तो ये भी आ रखा है हमारे साथ ही डॉगी। हाँ चल ले जब ओ रुक जाओ कौन जा ओ तो भाभी ने भारी लगा दी है और यहाँ पे इन भाभी लोगों ने काट दिया है बहुत सारा देख सकते हैं और थोड़ा रह रखा है काटने के लिए। मजा आ रहा है ओ भाभी जी हैं, ऐसा मजा कभी नहीं देखा बोले। अरे वाह हाँ ना ना मैं क्या कर रही होंगी काम ना, मजा तब आता जब तो मैं कुछ नहीं करती। जाऊं सही बता दो, चले जाऊंगी मैं फिर काटते रहना आराम से। कल उठो जे तो गाइस काट दिया है पूरे खेत का गेहूं और आधा वहां पे रखे हुए हैं, वो शाम के आऊंगी मैं। और यहाँ पे इन भाभी लोगों ने भारी लगा दी है और इन लोगों ने मेरी बहुत मदद की है तो धन्यवाद आप लोगों का। धन्यवाद हाँ, तो कर दे दो बारी बस गई हाँ, धारी तो घर चले गई। अब जा आलू के हाँ भाई ये लगा के तो ये है मेरी भारी जो भाभी लगा रही है। धार के खा मावा मगर भाभी तो यहाँ पे ताई जी भाभी जी हमारे मार के गए चाने के लिए। ताई जी हेलो हेलो कर दो एक बार। हाय बुखार हो रहा है बोलो। अब तो बोलो बोल हेलो बस है इतना काफी है, इतना काफी है क्योंकि बुखार आ रहा मुझे बहुत ज्यादा। वही तो खाम भी लग रहा सब कुछ हो रहा है एक के साथ में बहुत सारा कुछ हो रहा है लेकिन ये शरीर कितना परेशान कर दी। अरे काटने भी आओ छाने भी आओ तब बूढ़ी के तब मत आओ मत आओ जा जा गौर जा गौर जा नहीं हम मत ले जाओ ए गौर जा जा गौर जा कोई बात हुई हाँ ताई साहब नहीं हो लीजिए हमारा नीली जाग में नहीं हो चलो फिर हम भी छानते हैं। कुंदला देवी किले जगह थी इधर और कहीं मैं का ले भाई ए भाई हाय हाय को हाँ देखो छानने के लिए आ रखे हैं ये सब के लोग लालची हैं सारे के मैं ताई छोड़ के सब लालची हैं ये तीनों के तीनों लालची हैं। यहाँ पे गोबर डालते हुए चाची जी लालची हो तुम लालची ये है बहुत सारा है। और मैंने कहा मेरे बाल बहुत अजीब हो रखे हैं उड़े उड़े जैसे, तो मैंने कहा ट्राई करती हूँ बांधने का बन जाएगा तो ठीक है।
देखते हैं, ट्राई कर रही हूँ मैं, हाथ पे दर्द भी हो रहा था, क्या करे, कुछ ना कुछ तो करना है ना भाई। ऐसे बाल भी कैसे रख सकते हैं, तो कैसे लग रही, भूतनी जैसे लग रही हूँ उस बालों में, पूरा नहीं खोलूंगी ना, पोनी को रहने दूंगी, सिर्फ इसको ऐसे करूंगी। चुटिया बांधती हूँ मैं, थोड़ा थोड़ा पेन हो रहा है बट क्या करें, दवाई भी नहीं लगाई भाई मैंने, सुबह से टाइम ही नहीं मिला, अब लगानी पड़ेगी। सो पूरा बंद ही कर दूंगी उसको, ये अब सही है, पापा ये देख सकते हैं हाथ की हालत, पूरा सूज गया है वो और कट रखा है, देखो दिख रहा होगा यहाँ पे, यहाँ से और यहाँ तक हो रखा है वो दिख नहीं रहा क्योंकि बंद हो गया ना ये पूरा, इस पे दवाई लगाएंगे अभी। देखो दवाई लगा दी मैंने इस पे, चलो कोई नहीं। तो आधे से ज्यादा भाभी लोगों ने छान दिया है, तो वो लोग चले गए हैं, चले गए थे, एक बजने वाली थी तो वो चले गए थे अपने घर छान के। और उसके बाद मैंने खाना, पापा ने खाना वाना बनाया, तो पापा भी आ गए थे बकरियों के साथ से, तो पापा ने खाना वाना बनाया, तो हमने खाना खा के अभी आ गई मैं ऊपर, और 2 बज गई हैं, तो अभी थोड़ा आराम करते हैं, फिर शाम को देखते हैं, क्योंकि सुबह से बहुत थकान लग गई है। पहले हम गेहूँ काट के लाए, फिर पूरे जब तक मैंने 1 बजे तक हमने छाना है, फिर उसके बाद भाभी लोग चले गए हैं, और मैंने बोला था कि यहीं खाना खुना बना लेते, बोले उन्होंने मना किया तो वो चले गए हैं, तो अब थोड़ा आराम करते फिर मिलती हूँ शाम को। तो शाम के 5 बज गए हैं, तो मैं अभी गाय को पानी वगैरह दे दिया है, तो अब थोड़ा वहाँ पे जो तो वहाँ पे गेहूँ रह रखे हैं खेत में, तो उनको लेने चलते हैं, क्योंकि आधे से ज़्यादा हम ला गए थे तो और रखा वहाँ पे, तो चलते हैं अब। ये कहाँ रखे मैंने, तो मैं जो भारी थी, 2 भारी बची हुई थी वहाँ पे, तो वो ला के आ गई मैं, क्योंकि बहुत ही हवा चलने बैठ गई थी और आसमान में बिजली कड़कने लग गई थी, मैंने कहा अभी आती बारिश, तो फटाफट से गई मैं खेत में और लेके आ गई मैं, और घास भी लाई मैं थोड़ा, तो पहले थोड़ा चाय चूँ पीते हैं, क्योंकि मैं चाय भी करने गई थी क्योंकि मौसम ख़राब होने बैठ गया था। यहाँ से छोटी सी खिड़की है बाहर देखने के लिए, देख सकते हैं। डाली डाली फूलों की तू
तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। यहीं पर अपने वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।